Uh, there was one suggestion for the Courage to be Disliked Ek book. Okay, yeah, that seems like a good book. Or, okay, uh, uh, Courage to be Disliked by Ikoro Kishmi and ज इज अलॉजिस्टोलॉजिट जो भी बुक लिखते हैं ये अच्छी होती है वेरी स्ट्रॉन्ग्रिप ऑन हाउम उनको ग्रिप बहुत अच्छी होती है परफेक्ट तो साइकोलॉजी एंड फिलोसफी और uh, एक जमाना है कि लोग समझते थे फिलासफी इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट बट हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं डू बी ऑनस्ट दिस इज फिलासफी राइट सो फिलासफी क्या होती है अगर उसको सही तरह पढ़ा जाए तो इट्स वेरी कूल थिंग बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड लोग सोचेंगे कैसा लोग आपकी बात पर रियक्ट कैसे करेंगे किसी को अपने हिसाब से अपना काम करवाने है, तो कैसे कराया जाए यू नो सो दे फील दे आर डूइंग बट यू आर एक्चुअली आस्किंग देम टू डू दैट राइट तो हर लीडर के लिए हर बिजनेस सीईओ के लिए हर फैमिली हेड के लिए जरूरी होता है कि लोग उसकी बात सुने होता है कि नहीं होता रेज योर हैंड्स कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं अगर आप बोल रहे हैं बट सुन ही नहीं रहा कोई तो उस फैमिली हेड की या उस सीईओ की या उस एम्प्लॉयर की कोई वैल्यू है क्या अच्छा एक बात थी जनरेशन एक्स वाई और Z कितने लोगों को ये पता है बात ये बड़े मजे की बात है लेट मी डबल चेक सो जनरेशन एक्स जो होती है ना वो वो लोग हैं जो आज 1965 से पहले के ठीक है कितने लोग सिक्सटी फाइव से पहले की बॉर्न है ठीक है सिक्सटी फाइव से कहाँ तक की बात नहीं कर रहा सिक्सटी फाइव से पहले के बस तो क्या एज छुप गई ना आप लोगों की एज इज जस्ट द नंबर राइट वैसे ही बहुत सारी फीमेल्स हैं बड़े बाप रे अभी पूछ लेंगे एज तो मसला हो जाएगा फौरन से कैमरा बंद करो राइट right? तो <laughs> अभी दूसरे जो हैं दिस इज वाई ये वो लोग हैं जो नाइनटीन एटी वन से बॉर्न हुए देवर टिल नाइनटीन नाइन यानी टेक्निकली वो लोग जिनकी उम्र ट्वेंटी एट से फोर्टी थ्री के बीच में ठीक है।, है ये वो हो गए जो फोर्टी फोर से बड़े हैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंसेस के साथ दू तो आप फैमिली डाइनिंग टेबल पे या लंच पे आप शेयर करोगे ना

एक कहावत है घर की मुल्की दाल बराबर Somebody बिकॉज आई एम ऑल्सो एजुकेशनिस्ट लेकिन मुझे किसी बहुत बड़े जो बैंक बैलेंस भी क्लोज टू बिलियन है और एजुकेशन भी क्लोज टू डॉक्टरेट है उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता दुनिया उसके पीछे भागती है और मैंने उसको बोला यार तुम्हारे घर का मसला नहीं है दिस इज एवरीवेयर राइट तो क्या हुआ मीडिएटर यूज करना पड़ा ही फ्रेंड यार फरीद भाई से दस मिनट बात करो जाके वो टाइम नहीं देते मैंने बात की यू विल टॉक टू तो वो क्या हुआ उसने मेरी एक एम्फेसिस क्रिएट किया फिर उसने मुझे बोला कि ठीक है यू आर लाइक अ वाई यू कैन बी बिटवीन एक्स एंड सी तुम्हारी बात जी वाले को समझाना आसान है मैं बींग एक्स समझा रहा हूँ ना तो एक तो अ फादर वैसे ही टेकिन फॉर ग्रांटेड फिर एक्स और जी का डिफरेंस बहुत मतलब ये लर्नेड आदमी था इसलिए इसको खुद को समझ आ गई थी समझ रहे हो बात तो हम लोग को क्योंकि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कब क्या चीज फायदे देती है जी वाले कौन हो गए जो आज बारह से सत्ताईस साल के राइट और इसमें एक और आ रही है जिसका नाम है जी थीटा ठीक है अंडर ट्वेल्व ये है दिस इज समथिंग जो जी को भी पीछे छोड़ देंगे राइट जिसमें आज के जमाने के बच्चे आ गए या अंडर टीनेजर्स आ गए ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छा ये जो बहुत मजा आएगा आप लोगों को आज के टॉपिक में ये बुक से रिलेटेड नहीं बट आई पिक्ट अप अपन अदर टॉपिक जो बुक से रिलेटेड है मजा आ रहा है अभी तक समझ के यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट इट राइट ये ये कहते हैं ना गुड है दिस इज दिस इज द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सॉस ऑफ सक्सेस राइट कि आप जिससे बात कर रहे हो आपका कस्टमर हो आपका बेटा हो यू you नो know, आपका यू you नो know, कुछ भी हो तो आपको ध्यान रखना है कि कौन है वो सो so, सो so ये जो है ना ये ये पैदा हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग के साथ इसका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है ठीक है इसलिए आप देखते होगे कि जो जमाने के आज के लोग हैं कॉर्पोरेट्स के नंबर बेस्ड लोग हैं नंबर्स में बातें करते हैं इतने परसेंटेज लोग ये करते हैं इतने परसेंट लोग मेंटल सिकनेस में इतने परसेंट लोग अग्रेसिव हैं इतने परसेंट लोग डिप्रेशन में यस और नो न्यूज़ भी इसी तरह आ रही होती आज की क्योंकि ज्यादातर एंकरर्स इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं ठीक है ये जो लोग हैं ना ये प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं ठीक है ठीके? उनको होता है नंबर शंबर छोड़ो अपन तो करेंगे समझ आया तो आगे बढ़ेंगे नहीं आया तो कैंसिल करके आगे बढ़ जाएंगे यस और नो सो दीज आर प्रैक्टिकल पीपल आप में से बहुत सारे लोग ये वाले हैं ठीक है कितने लोग अभी तक इस बात से अग्री करते हैं रेज यू हैंड्स ठीक है अब समझ आ रहा है तो अपने आप को भी समझने का मौका मिल रहा है ओ मैं ऐसा सोचता हूँ बट मेरे सिबलिंग्स या मेरे बच्चे या मेरे ग्रैंड किड इस तरह सोचने क्यों ऐसा है राइट right? सोचने का फर्क हो गया जस्ट लुक इन टू इट इमाम हैज चेंज द करिकुलम ऑफ पहले क्या था पहले वाजिश कैसी होती थी अभी कैसे होती है आगे कैसी होंगी राइट right? क्योंकि वो कंटेंट ये वाले लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते राइट right? आज जो एम्पावरमेंट क्लास भी इवन हो रही है ना ये शायद जी के बाद वाले डाइजेस्ट नहीं करे इवन जी भी डाइजेस्ट नहीं करे सो राइट बिकॉज हम लोग कोशिश करके शायद जी को डाइजेस्ट करा लें बिकॉज हम लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करके चल रहे ये जो लोग थे ना ये ये राइट वाले ज्यादा थे एली हिट करे नहीं करे दैट्स ओके बट तीर चलाना चाहिए राइट right? कभी कभार लग भी जाता है दैट्स कॉन्फिडेंस ठीक है सो लेफ्ट ब्रेन आर द वंस जो नंबर बेस्ड लोग हैं वो हर चीज एनालिसिस करेंगे वो बोलेंगे मैं करियर लूं तो क्यों लूं बोले दिल की सुनो तो जो दिल की सुनो है वो राइट वाले हैं शाहरुख खान कल हो ना हो मन की सुनो ठीक है आज का जो करियर कोच है जो बहुत पॉपुलर उसका क्या नाम है स्टीव समथिंग वो बोलते हैं लुक एट द नंबर्स उस मार्केट में जाओ जहाँ पे डिमांड है पसंद पैसे मिलेंगे तो खुद आना शुरू हो जाएगा राइट जबकि ये वाला कहता है नहीं पसंद होगा तो पैसे सामने से खुद अट्रैक्ट होना शुरू रहेगा राइट दोनों स्कूल में थॉट प्रोसेस में यस या ये नो है बट इन शॉर्ट ये वाला जो आदमी है वो ज्यादातर आपको जो है वो बात करेगा मैं क्लियरली लिखता हूँ ताकि समझ आए जो लोग बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं हमारे मैं देख रहा था ओवरऑल अलमदिल्ला थाउजेंड प्लस लोग रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं अपने क्लास में थर्टी फोर्टी होते हैं शुक्र सो राइट वाले जो होते हैं वो इमोशनल ज्यादा होते हैं इमोशनल आर्टिस्टिक ज्यादा होते हैं डू वॉट यू टाइप लोग होते हैं ठीक है जबकि ये वाले जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं नंबर्स होते हैं वो बोलते हैं इमोशंस हेज़ नो वैल्यू फोकस ऑन डिमांड ना ये डिमांड मनी की हो गई या ये डिमांड रिलेटिव्स वर्सेस योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई या ये डिमांड रिलीजन ओवर मनी की हो गई ये लोग लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकते हैं ये लोग राइट right की तरफ ज़्यादा झुकते हैं तो एक बात कह रहा है कि जिस तरह से जनरेशन एक्स वाई जी होते जा रही है इन लोगों में आर बहुत ज्यादा था इमोशनल आर्ट रिलीजन इन चीजों की बहुत वैल्यूज थी इधर आर थोड़ा छोटा हो गया इधर आर बहुत छोटा हो गया और इधर आर शायद ना होने के बराबर हो रहा है राइट बट इधर लेफ्ट छोटा था इधर लेफ्ट थोड़ा बड़ा हुआ इधर लेफ्ट बहुत बड़ा हो गया और इधर लेफ्ट बहुत ही बड़ा हो गया ठीक है तो अब सोचो उनके माइंड में क्या फ़र्क आ गया आप इस आदमी को बोलो मूवी पे जाना है हाँ ज़बरदस्त कौन है स्टार यू नो कैसा दिखता है क्या करता है हीरोइन कौन है ब्ला, ब्ला, ब्ला। ये बोलेगा कि मूवी में क्या मिलेगा ओके यू नो इज इट आर्नोल्ड शाह लेकर आई एम मस्क्यूलन गाय आई एम वेट लिफ्ट मुझे कुछ सीखने मिलेगा थोड़ा थोड़ा लॉजिक ढूंढेगा मज़े के साथ ये वाला बिल्कुल ही लॉजिक ढूंढेगा बोलेगा छोड़ो यू नो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम मैं काउंटर स्ट्राइक खेलूंगा या मैं पबजी खेलूंगा माँ मेरा इतना स्कोर होगा ये होगा वो होगा वो होगा जबकि ये वाला बिल्कुल ही अलग होगा दिस वुड बी राइट यू नो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इवन इन दैट मैं कुछ और ही करूंगा जो दैट्स वाई आपको कभी कभार सुनने मिलती है न्यूज़ की ये बच्चे ने घर से बैठे बैठे मिलियन डॉलर बना लिए और बहुत दफा न्यूज एंकर तक नहीं समझा पाता कि क्या करके बनाए क्योंकि वो जो इसने बनाया है वो उसको समझ आता है इसको भी नहीं आता है और इसको तो बिल्कुल भी नहीं आता है तो लास्ट टाइम मैंने टीच टू बिटकॉइन मैंने बताया तो आप लोग को मजा आया राइट यू सेट क्या क्लास थी मजा आ गया बट कब से बिटकॉइन बिटकॉइन सुन रहे थे कोई समझा ही नहीं रहता ये सो नो राइट तो आप लोग एक्स हो ये चीज जो है जनरेशन वाई और जी की बात है हाँ वाई वाले अभी इन्वेस्टर बन रहे हैं आज भी एक्स वाले को समझ नहीं आया इसलिए वॉरेन बुफेट जैसे इतना बड़ा आदमी बोलता है बिटकॉइन बेकार राइट चेस बैंक का सीईओ भी बोलता था चेयरमैन बेकार है बट ऑडिट में पता चला कि इतने बिलियन डॉलर के खुद बिटकॉइन चेस बैंक खरीद के बैठा राइट तो बेकार है तो क्यों बिकॉज नीचे वाले लोग मानते हैं एक्स वाले को मानने में प्रॉब्लम है तो ये समझ आ जाएगा ना तो यानी खुदा ने मशीन चेंज की आईफोन पहले वन आ रहा था फिर आईफोन फोन टू आया फिर अभी वाला समझो आईफोन फोन फिफ्टीन है तो ऑप्शन भी फर्क है ना स्लिम सेट है दिखने में अच्छा है कूल लुक है ये वाला गर्म भी जल्दी हो जाता है ये गर्म भी नहीं होता यू you नो know, इसमें इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस होते हुए टाइम नहीं लगता तो जब स्टीव जॉब्स अपने वर्जन में अपडेट कर सकता है तो खुदा अपडेट नहीं कर रहा क्या राइट right? लेकिन खुदा परफेक्ट है स्टीव जॉब ऑज ए ह्यूमन तो बहुत सारी चीज़ें खुदा कुछ बढ़ा भी रहा है तो कुछ चीज़ें कम भी कर रहा है राइट इस बंदे के लिए रिलीजन बहुत बड़ी बात इसके लिए बड़ी बात है इसके लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं है इसके लिए बहुत मुश्किल होगा समझाना राइट right? रिलीजन समझाने के लिए भी लॉजिक देना पड़ेगा सोशल इवेंट्स करने पड़ेंगे फूड पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी वॉलीबॉल बेसबॉल बैडमिंटन इवेंट्स करने पड़ेंगे, पड़ेंगे तभी शायद प्रेयर हॉल में आएगा लॉजिक देना पड़ेगा इंटरेस्ट देना बस तो समझ रहे हो समाइम से हो हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था तुम लोगों का दिमाग अलग था अपनों का दिमाग अलग है आगे का अलग है उसके बाद अलग है डू यू ऑल गेट दैट दिस ऑल इज माइंड साइंस ये और नो बहुत सारे हंस है, रहे हैं लाइक उनको मजा आ रहा है वो सो नाउ so आज समझ आया कंटिन्यू एजुकेशन क्यों क्यों बोलता है ऊपर वाला बिकॉज ये हमें उसने एक बात बोल दी थी, थी बहुत पहले डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ कितने लोगों को याद है गोल्डन जुबली की बात है ये हमको डाइवर्सिटी का मतलब भी नहीं पता था ठीक है <laughs> फिर हमको पता चला डाइवर्स का मतलब हमको सिर्फ ये पता था कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब और नई नई चीजें करो राइट बट डाइवर्सिटी इस स्ट्रेंथ का मतलब समझ आया कि जब लोगों में रहते हो वो अलग अलग सोचते हैं अलग अलग समझते हैं उनके शौक अलग अलग हैं लड़ना शुरू मत कर दो दुनिया से अकेले मत हो जाओ सामने वाले की स्ट्रेंथ एक्सेप्ट करो सामने वाले को अपनी स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कराओ और मिल करो सारी सब अपने हैंड्स रेस करो ऐसे करके हैंड्स रेस करके बताओ सबके पास पांच उंगलियां हैं सारी बराबर दी ऊपर वाले ने मगर एक भी कम हो जाए तो हाथ का फिस्ट नहीं बन सकता दिस इज सोसाइटी और ये लोग हैं कोई दिखने में बड़ा है कोई छोटा है किसी के पास ज्यादा पैसे है किसी कम में किसी से ज्यादा अकल है किसी के पास ज्यादा आर्ट है किसी के पास ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ है किसी के पास ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी के पास ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ है राइट right? आपको ये देखना है कि आज जो जमाने को चाहिए या आज जो मेरे पास है वो कौन सा ऑक्यूपेशन मानता है राइट right? तो अब आप बोलोगे कि कल तक वी वर टॉकिंग अबाउट ये मैं सब मिटा रहा हूँ ठीक है कल तक वी वर टॉकिंग अबाउट के लोग आईक्यू के पीछे जाते थे एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस नाउ टू थ्री टाइम्स तो आप सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ आज किसके पीछे जाते हैं कौन बोलेगा ई क्यू थैंक यू नरगेश तो ई क्या था कल तक लोग बोलते थे ओ इंटेलिजेंट वो है जो चार थ्योरम्स या मैथमेटिक्स और जैबा याद करके लिख दे वो फर्स्ट आएगा ठीक है हाँ चैट जीपीटी में लिख दो वैसे ही फ्री में बता देगा यूट्यूब बता दे तो आज आप बच्चे को वो सिखाते ही नहीं हो आज आप बताते हो अच्छा उसको लेते हुए कोई सॉफ्टवेयर बना दे जो ऑटोमाइज कर दे राइट तो और आज एक नेक्स्ट लेवल पे आप आ गए हो आज आप बोलते हो कि भाई इंटेलिजेंस तो चैट जीपीटी के पास फ्री में अवेलेबल है गूगल में भी फ्री में उससे काम करवाने वाला चाहिए तो मुझे तो वो आदमी ला के दो जो नॉलेज फ्री अवेलेबल है कल तक नॉलेज के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था हसन बिन सबा वहां जा रहे हैं ये यहाँ जा रहे हैं वो आलमोस्ट जा रहे हैं इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं राइट आज सब कुछ गूगल में है पढ़ने वाले नहीं है राइट लेकिन वो लोग जो पढ़ लेते हैं उनको समझाने वाला भी चाहिए अब आप देखो अपनी तारीफ नहीं कर रहा गॉड इज़ काइंड बट ये सारी बुक्स पहले भी पढ़ी हुई थी ना बारह बट हम जब मिल बैठे सिक्सटी मिनट्स हमने लगाया और हमने बोला यार ये क्या बात बोल रहा है पांच चीज़ें अच्छी मुझे बताओ ये बोल रहा है फिर हमने बोला ये चीज़ें हमारी लाइफ से कैसे को करती है तो हमने पकड़ लिया हमारा इंटेलिजेंस बढ़ गया <laughs> तो तीन चीज़ें अलग अलग आई क्या क्या आया एक जो बुक्स थी वो था इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दुनिया में आज बहुत है इतनी है कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जितना व्हाट्सएप उठा के देख लो सब अच्छी बातें लिखी होंगी आप अपने व्हाट्सएप में ही देख लो आपने कितनी उसमें से पढ़ी है और अमल की टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट राइट सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है एक जमाना था जब इन्फॉर्मेशन में नहीं थी आज इंफॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन बनती है नॉलेज ओके okay, अब आ, आ जाएगा मजा फिर बनता है विजडम राइट एंड वॉट डज इमाम सेज आज के जमाने में इमाम क्या बोलता है मेरे वॉरियर्स कौन है जो ये देने में मदद करे राइट ये देने की बात नहीं कर रहा ये तो बीबीसी भी दे रहा है यूट्यूब भी दे रहा है गूगल भी दे रहा है फेसबुक भी दे रहा है इसके लिए दम चाहिए और इसके लिए बहुत ज्यादा दम चाहिए अब बताओ नॉलेज क्या है और विजडम क्या है विजडम से क्या जो हम लोग को हमारे माइंड में जो आता है उसे हम लोग क्या आकर्ष करते हैं फिर उससे हम लोग क्या मीनिंग निकालते हैं और तो तो किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं वेरी गुड लेट्स क्लियर फॉर नॉलेज तो नॉलेज अशरफ ने बहुत जबरदस्त बताया अप्लाई कैसे करते हैं ठीक है ओके okay. ये विजडम हो जाती है तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखता हूँ So, ये चीज आ गई इन्फॉर्मेशन कि अच्छी बात करनी चाहिए सच बोलना चाहिए लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए दीज वर नॉलेज राइट ठीक है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है कहाँ पर है यूट्यूब्स में है गूगल में है बुक्स में है बट नॉलेज इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन इस नॉलेज कि भाई सच बोलना है तो कैसे बोलना है कल शहनाज ने सच बोला तो प्रॉब्लम हो गया ना उसके लिए राइट लैस होल क्लास तो सच बोलते हुए भी अपने आप को बचाना भी है शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन भी रखना है यस और नो राइट दैट इज कॉल्ड नॉलेज ठीक है अब और आपने पढ़ लिया कि यार ये पच्चीस प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए सॉफ्टवेयर बनता है आपने की, आपने की बोला ओ नाउ नाउ आई आई द द जॉब इंटर्नशिप सम कंपनी और 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 शेल जेपी मी मेरा बैंकिंग सिस्टम बनाओ वो लैंग्वेज से जो तुमने सीखी चार साल अब आप उस नॉलेज को प्रोसेस कर रहे हो इंफॉर्मेशन को सो वेन यू आर तो अगर आज आप एम्पावरमेंट से जो सीख के जाते हो

बट लोग उठाते नहीं है बुक राइट ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बट इंफॉर्मेशन समझ आ गया कोई यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कोई अच्छी बात है जो आपको करियर में लाइफ में मनी मैटर्स में आगे बढ़ा सकती है बट उसको अप्लाई कैसे करना है उसको विजडम नॉलेज कहते हैं अच्छा वो आदमी जो उस नॉलेज को बार बार अप्लाई कर ले लगातार अप्लाई कर ले बहुत दफ़ा फेल हो बहुत दफ़ा सक्सेसफुल हो और बहुत सुपर सक्सेसफुल हो जाए वो आदमी बन जाता है वाइज यानी वाइज इज अ पर्सन हु अप्लाइड नॉलेज मे बी टेन टाइम्स एंड फिगर्ड आउट द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग दैट नॉलेज यानी वो बन गया है उसमें एक्सपर्ट ठीक है तो इमाम सेज के वो जो एक्सपर्ट बन गए हो ना भाई वो जाके उनको सिखा दो जिनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बैठे हैं चाहे वो पहाड़ों में बैठे हैं तजिकिस्तान किर्गिस्तान अफगानिस्तान चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में ही बैठे लोग हैं जो एक आदमी हाफ ए मिलियन डॉलर भी कमा रहा है और एक आदमी को महीने के पाँच हज़ार डॉलर कमाते हुए भी प्रॉब्लम हो रहा है ये और नो राइट सो वेन अ एक्सपर्ट शेयर हिज विजडम ही इज द वन हु इन लास्ट फाइव टेन ट्वेंटी ईयर्स हैज अपराइड नॉलेज सो मेनी टाइम्स कि आज उसको पता है कि बिजनेस कैसे मिलता है आज उसको पता है लोगों से दोस्ती कैसे बनानी है आज उसको पता है कि मेरे पास आइडिया है स्टार्टअप का तो फंड्स रेस कैसे करने है आज मुझे पता है कि रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं तो कैसे रिस्टोर करना है आज मुझे पता है कि मुझे फोर्टी की एज पे मैं जॉबलेस हो गया हूँ या मेरे पैसे नहीं बन रहे या गो एंड चेंज करियर मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं जिसको लेके आई कैन इन्वेंट अ न्यू प्रोफेशन आउट ऑफ इट जिसकी डिमांड हो ये आदमी कौन कह सकता है एक्सपर्ट जिसको आसान जबान में बोलूँ वेस्ट में इसको बोलते हैं राइट? इन मेंटोर इज अ वेरी एक्सपर्ट एन एक्सपेंसिव टर्म आपको जान के बड़ी हैरत होगी दैट इन आई हैव फॉर माय वेल। एंड वॉरेन को किसी ने एज अ मेंटोर हायर किया था 1.2 मिलियन डॉलर फॉर अ टू आवर लंच क्या प्राइस थी वॉरेन बुफेट की वॉरेन बुफेट कीप्स Once a year lunch, और जो सबसे ज्यादा बिट करता है ईबे पे वो उसको वो लंच सेल करता है और दो घंटे के साथ और उस फैमिली को पांच लोगों को अपना टाइम देता है डॉलर का खाना नहीं खाते हैं. कोई भी खाना इतना महंगा नहीं होगा वो नॉलेज देता है तो जिसने लंच बाय किया था वो खुद बिलियन एयर था वारंट बुफेट इज वन ऑफ दिचे तो वो 1.2 मिलियन का क्या करता है इतना अमीर आदमी ऑलरेडी था वो डोनेट कर देता है कोई भी चैरिटी को समझे लेकिन मेंटोरशिप इतनी महंगी भी होती है बट आप कॉमनली जाओगे ना तो यू फाइंड करियर काउंसलर दैट चार्ज टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड डॉलर एन आवर रिलेशनशिप काउंसलर साइकोलॉजिस्ट जो हंड्रेड डॉलर से तो मिनिमम शुरू करते हैं तो आज इमाम ये मांगता है जो नॉलेज की बात करिए ना वो नॉलेज लेवल टू मांगता है विजडम मांगता है राइट right? सो so अब कल हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूंग एजुकेशन सीनियर्स को क्यों बोला गया देने को इसलिए बोला गया कि सीनियर्स अपनी एक फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी साल की जिंदगी गुजार चुके हैं उन्होंने बहुत दफ़ा एक एक चीज अप्लाई करके सीखा है कि किस तरह काम होता है किस तरह नहीं होता है बट दे डोंट द टूल्स हाउ टू सबमिट अप तो रिमेम्बर जब हमने बुक लिखी थी एक बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो वो फोर्टी फिफ्टी सीनियर्स ने मिल लिखी थी और में पब्लिश हुई थी और उन्होंने वन ऑफ़ द टॉप पोजिशन दी थी बिकॉज दे इसका फर्स्ट बुक है दुनिया में जिसके फोर्टी कोई भी ऐसी बुक नहीं और एवरेज एज ऑथर की राइट right? तो हमने ये लिखी थी कितने लोग इस इसका पार्ट है बहुत सारे लोग अब नहीं आते ऑफलाइन देखते हैं बट जनरगिसरीफ देयर तो अब ये वो लोग हैं जो अब देखो अब आज शायद वापस बुक लिखोगे ना तो उससे बहुत बेहतर लिखोगे क्योंकि पहले तीस बुक्स पढ़ी थी आज दो सौ पढ़ ली हैं राइट तो अब समझ आया कि एक चीज जो दुनिया में कमी है ना आज के दौर में हम लोग इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम तीनों को एक ही समझते थे तीनों एक नहीं है आज समझ आया एक है कि नहीं है ठीक है सो और जरूरी नहीं है कि खाली यू नीड टू फाइंड अ पर्सन विद ग्रे हेयर टू गेट द विजडम हो सकता है तेरह साल के बच्चे के पास भी विजडम हो बिकॉज ही इज मास्टर एंड वो ब्रूसली को क्या बोला ब्रूसली बोलता है आई डोंट फियर अ मैन जिसको दस हजार मूव आती हैं बट आई फियर अ मैन जिसको एक मूव दस हजार दफा प्रैक्टिस कर चुका है वो एक पन से हरा देगा मुझे जब वो मूव अप्लाई कर लेगा आपके अंदर वो मूव किया है आपको वो ढूंढना है समझ रहे हो दैट मूव कुड बी योर टॉकिंग स्किल्स दैट मूव कुड बी ये मूव कुड भी एनी थिंग बट आप जब वो मालूम कर लेते हो ना आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में आ जाते हो और इमाम अली का कॉल है जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना राइट क्यों क्योंकि तब आप असली काम दुनिया में करना शुरू करते हो जब तक आप ये नहीं समझते तब तक तो आप दुनिया से सब ले ही रहे होते हो ऑक्सीजन ले रहे हो एनर्जीज ले रहे हो सनलाइट ले रहे हो पैसे ले रहे हो राइट जब आप विजडम पे आ जाते हो ना तब आप देना शुरू करते हो तो आप सबको अपनी देवन से बात कर रहे हैं, राइट? इतना motivation करोगे लेके लेके क्या? क्या आपका हैमर है क्या वो ढूंढो एट द एज ऑफ फोर्टी फिफ्टी सिक्स रिटर्न लाइफ फॉर यू आपके चालीस साल बाकी है भाई आधी जिंदगी बाकी है ऐसे ही गुजार देना है वेट करते करते या सोचना है कि नहीं भाई अभी कुछ लाइफ को काम में लाओ कितने लोग इस बात से आज एग्री करते हैं कि वाकई काम में लाना है लाइफ को यार रेज हैंड्स गुड लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू गिव पैट ऑन द बैक तो आज हमने बहुत डीप में स्टडी किया कि जनरेशन एक्स को समझ में कैसे आएगा वाई को कैसे आएगा जी को कैसे आएगा हमारा प्रॉब्लम क्या हम तीनों को एक ही वन साइज फिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम तीनों को एक ही तरह समझाने की शुरू तो अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो ना समझो नरगे से जहाड़ और शनाज ed, और परवीन एट है तो प्रवीन को पता होगा यार ई के बच्चे को पढ़ाना और सीनियर का सेशन लेना दो अलग अलग ट्रिकेट टेक्निक दोनों के लिए अलग अलग, अलग आर्ट की जरूरत है येस और नो दे आर मोर एनर्जी दे आर मोर एनालिटिकल पुराने वाले बंदे को आप किसी दो सीनियर को देखना वो आज भी जमात खाना के बाहर बैठ के शायद आधा घंटा लगा लेंगे वाई जनरेशन को देखना वो शायद सोचेंगे यार क्या ये मेरे काम का है क्या नहीं है मैं इसको हाई भी करूं कि नहीं करूं दस मिनट खराब तो नहीं करेगा जी वाला सोचेगा नहीं नहीं मैन इज ऑफ नो यूज टू मी मैं दोस्ती भी क्यों करूं इसको तो कुछ आता ही नहीं है इज ही ऑफ़ एनी वैल्यू टू मी और नॉट इतना एनालिसिस भर गया है क्या इस बात से अग्री करते हो येस और नो राइट वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉचिंग मूवीज टुगेदर डाइनिंग टुगेदर हैज़ गॉन आउट बिकॉज ये जनरेशन बहुत एनालिटिकल हो गई है वो जनरेशन बड़ों की बात एक एक घंटे तक सुन लेती थी पेरेंट्स इफ यूज टू से समथिंग फॉर वन आवर डजेंट मेक सेंस बट दे यूज्ड टू इन रिस्पेक्ट टू लिसन टू इट यस और नो ये बोलते छोड़ो ना टाइम वेस्ट नहीं करो यार नाइन वन वन पता है मेरे को क्या होता है राइट सो वाई द पेशेंस इज लोअर डाउन एनालिटिकल स्किल्स इज हायर्ड अप अच्छा ये स्ट्रेंथ भी बन जाता है वेन यू हेल्प दैट जनरेशन टू एनालाइज के तुम्हारे अंदर खुदा ने स्ट्रेंथ क्या दी है और एनालिसिस की जीन्स वैसे ही बहुत पावरफुल है तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं इसलिए यू सी ट्वेल्व ईयर थर्टीन ईयर मल्टी मिलियनो जो अपने हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं चार्टर प्लेन तेरह साल का बच्चा कभी जिंदगी में अपना हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन ले सकता है आपको लगता है ये बात यस और नो देखिए लेट मी शेयर विद स्टोरीज मालिक है, billion का है। बिलियन बिलियन प्लोमो सिक्स बिलियन डॉलर का बिजनेस चलाती है और अकेले रहती है और फैशन और ज्वेलरीज बेचती है आठ साल की बच्ची है ब्लू आईवी कार्टर नेट वर्थ है इसकी सात सौ बीस मिलियन डॉलर ठीक है एक बच्ची ये मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को हर नेम इज चार सौ दस मिलियन डॉलर की मालिक है बारह साल की उम्र है इसकी है ना सो दीज पीपल वो क्या कर रहे हैं वो आपको समझ भी नहीं आएगा मुझे भी नहीं आएगा वो बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ काइंडर्स और विच इज काइंड ऑफ जनरे वाई तो बताने का मकसद डीमोटिवेट करना नहीं था बट बताने का मकसद था कंटिन्यू एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि दुनिया में जब अगले तीस साल चालीस साल रहना है तो समझ भी सको दुनिया को कि दुनिया में हो क्या रहे येस yes no. और नो मना हाउ वड यू फील के दो लोग बात कर रहे हैं और आपको इग्नोर करें बोले नहीं यार छोड़ो उनको समझ नहीं आएगा देर आर द ओल्ड एज हाउ यू फील दैट टाइम जब कोई आपके पास में ये बात करेगा एंड समबडी फ्रॉम योर फैमिली इफ़ दे टॉक अबाउट इट होता है मैं कोई दूर की बात तो नहीं कर रहा यह सुन लो वह दफ़ा पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हो तो उनको समझ नहीं आता और बच्चे एक दो दफ़ा शायद समझा भी लेते हैं फिर बोलते हैं छोड़ो उनको नहीं आएगा समझ लेट्स नॉट तो क्या होता है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वो चाहते हैं बच्चे माँ बाप से डिस्कस करें बट वो क्या डिस्कस करेंगे उनको उनकी जनरेशन का कुछ समझ ही नहीं आता यह सुन लो अब सोचो वाइसा वर्सा हो जाए माँ बाप कल जैसे थे जब बच्चे को सिखा रहे थे और आज बच्चा इतनी जल्दी से आगे बढ़ गया लेकिन माँ बाप वहीं खड़े रह गए तो गैप आ गया लेकिन अब माँ बाप बोले अच्छा बच्ची मैं भी माँ बाप हुई है ना मैं भी दादा दादी हूँ तुम ये कर रहे हो आई एम हेयर मैं एम्पावरमेंट सेशन लेता हूँ मुझे सब पता है जी क्या है मेटावर्स क्या है बिटकॉइन क्या है बोलो क्या कर रहे हो तुम्हारा एन एफ टी बनाए कि नहीं बनाए बच्चा अब लोग बाप रहे दादी इज टॉकिंग टू टॉकिंग टू मी कि तुम्हारा एन एफ टी है कि नहीं है मैं तो सोच रहा हूँ एनएफटी बनाना कैसे है तो दादी का वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा बोलेगा अब हाँ, अपना क्या होता है कैसे गूगल कर लो चैट जीपीटी से पूछ लो फोर स्टेप्स टू मेक एन बता देगा सुन के बता देना ठीक है एटलीस्ट क्या हुआ जनरेशनल गैप खत्म हो गया यू गॉट द स्किल्स टू कम्युनिकेट तो आज आपको समझ आया दिस इज योर पासपोर्ट जिस तरह यूएस कनाडा में कोई आदमी पत्ते के बगैर घुस जाए तो वो खाली दस डॉलर आठ डॉलर की गैस स्टेशन की जॉब ही कर सकता है यू नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट जिंदगी नहीं जी सकता दैट्स योर पासपोर्ट कंटिन्यू एजुकेशन सोसाइटी में अपडेटेड नॉलेज के साथ रहना आपका वो पासपोर्ट है आपका वो सिटीजनशिप है जिसके बाद आप दुनिया की जो भी जॉब अप्लाई करना चाहें बहुत से लोग आते हैं आज इंडिया पाकिस्तान से राइट दे कैन नॉट वर्क बिकॉज उनके पास प्रॉपर पेपर ही नहीं है Or not, right? but, वो है, बहुत टैलेंटेड है बट दे कर नॉट सो आप लोगों की लाइफ ऐसी हो गई थी क्योंकि यू आर नॉट यू आर अवे फ्रॉम द नॉलेज बट अब ये जो सारे लोग माशा वेरी ब्लाइट टॉपिक बट अब आपको पता है कि गूगल क्या कर रहे हैं और जो लोगों को ज्यादा शौक है वो गूगल करो किड्स अंडर टेन वो आर मिलियन एयर और जाके पढ़ो कि वो करते क्या है और अपने ग्रैंड किड जो एट ईयर्स का उसको किसी की एग्जाम्पल देना है पता है कि एक और एट ईयरस का बच्चा है एक्सवाइजी ए बी सी जो ये करता है और वो ई वुड लव टू टॉक टू यू फॉर नेक्स्ट थ्री आवर्स अबाउट दैट और आप गूगल करो क्योंकि आज के बच्चे को पुरानी लायन किंग की स्टोरी आप नहीं सुना सकते वो टाइम चले गया राइट right? तो आज दादी को कहीं और से सीखना पड़ेगा कि उसको बताना क्या है ना तेरी माँ को तो मैंने स्टोरी सुनाई दो दो घंटे सुनती थी तो, तो सुनती नहीं है you know? I, I तेरी अम्मा जो थी जी और जी ही फर्क हो गया भाई ऊपर वाले ने वो पुरानी मशीन बनाना ही बंद बन कर दी so से सीखो ना? क्या? <laughs> yeah. करो बदेसे. कितने लोगों को मजा आ रहा है रियली रेज यूर द कॉमेंट एंड बिल्कुल ही अलग है ना सो मेनी थिंग्स ऑलवेज लर्न यू नोन आई टॉक मैं अभी वो रिसर्च करके सीखता हूँ okay.

ग्रैंड लेकिन आप हालात भी तो देखो ना सबके अपने अपने हालात होते हैं सबके अपने अपनी बैकग्राउंड होती है घर के हालात कैसे हैं आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी है हर कोई नहीं कर सकता भले हम आपका इंकरेज करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे घर में बैठे खाली टीवी देखते हैं तो जब टीवी देख सकते हैं तो गूगल भी कर सकते हैं तो, आपने खुद नहीं आंसर दे दिया अब देखो आपने बात की ना हालात की मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ यू डोंट नीड मनी टू लर्न एनी थिंग टू कल वो टाइम निकल गया आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है येस और नो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट हैव टू डू गूगल फ्री है यूट्यूब भी फ्री है येस और नो आप सबका फ्री है राइट आई एम नॉट आस्किंग यू ट्यूब बाईर यूट्यूब राइट जिसमें ऐड नहीं आती आप ऐड वाला चलाओ ना यूट्यूब राइट right? लेकिन सब फ्री है तो अब बात यह है कि यू यूज़ द वेरी ब्राइट वर्ड के दादा दादी को उसके स्पेस में जाने के लिए ग्रैंड किट देखो ग्रैंड किट तब तक सुनेगा जब तक उसको समझने की कंडीशन नहीं आई द मिनट दे गेट इन टू द स्कूल और वो बच्चों में उठना बैठना शुरू करेंगे उनका नॉलेज बेस बढ़ेगा उस वक्त जनरेशन गैप बढ़ेगा तो वो जिसने हाथ पकड़ के सिखाया आज भी हाथ पकड़ के दादा दादी माँ बाप सिखाते ही हैं बट बच्चा फिर यहाँ पहुंच जाता है और दादा दादी फिर हाथ पकड़ के ऊपर नहीं आना चाहते हैं उनको टीवी देखना है हैं उनको गूगल ओके बिकॉज दुनिया में बहुत सारे गम है और मेरे थोड़े कम हैं शेयर है ना राइट तो जितने गम सॉल्व करने कर लो क्योंकि आपके अपने भी तो गम है यू नो टाइम इज़ द गम राइट बट थिंग इज के कुछ नहीं कर सकते तो ये एम्पावरमेंट की हमने यूट्यूब्स पे डाल दिए लिंक्स डाल दिए वो लिंक शेयर कर दो ठीक है हाउ आर पार्ट ऑफ द फेसबुक ग्रुप राइट तो अब वो 1 .1 members, right? On that Facebook, तो उसमें पोस्ट हो रहा है राइट कैन शेयर दैट लिंक कुछ नहीं तो वो सीनियर फारिक बैठे हुए जिस तरह इंडियन पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं मे भी शायद एक दिन कोई इम्पावरमेंट देख लें तो हो सकता है उनको क्लिक मिल जाए लाइफ में ओ। देखो, हमको ये समझ आ गया बुक्स पढ़ के और इस्लामिक कॉन्टेक्ट देख के या बायोग्राफी इसके दो लाइन है एक लाइन होप रहने की है और एक लाइन होपलेस रहने की है हम लोग होप वाली लाइन तो रहे

पुरानी 18, 20 वीडियो सारी जब से मुझे हुआ किसी ने दिया दिया और क्योंकि खत्म हो जाता है। भेज दो किसी को ज्यादा सेवा देना चाहते हो गम थोड़ा आपका लोगों से ज्यादा है उसके साथ बैठ के एक दफा एम्पावरमेंट देख लो या उसको एम्पावरमेंट जो समझा वो खुद समझा दो आप एक छोटा एम्पावरमेंट अपने नाम से ले लो ऐसे दस लोगों को बुला के राइट क्रिएटिविटी इज अनलिमिटेड आप क्या सेवा करना चाहते हो आपको रोक कोई थोड़ी रहा है दुनिया में कोई किसी को नहीं रोकता है आपको खुद टाइम निकालना पड़ता है ये समझ के कि यार उसकी जिंदगी में लाइट आ जाएगी इससे कि नहीं आएगी और ऊपर वाला कहीं और ब्लेसिंग आपको दे देगा उस टाइम की इस बात से आप लोग अग्री करते हो कि नहीं करते हो राइट सो गुड ओके बुक पे चलते हैं वापस से करेज टू बी डिसलाइक राइट उसमें वो एक पॉइंट कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क फोकस ऑन योर ओन टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटी नॉट दोस ऑफ अदर्स दिस मींस अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिलोंग्स टू यू एंड व्हाट बिलोंग्स टू अदर ठीक है, है? Uh, देखो अभी कभी-कभार हम बुक को भी क्रिटिक करते हैं ये बुक जो है ना ये हम देख के बता सकते हैं कि, कि किसी जनरेशन एक्स वाले ने नहीं लिखी है वाई वाले ने लिखी है बिकॉज़ ये बोल रहा है कि आप अपने काम से काम रखो दुनिया में किसी के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है आपको सक्सेसफुल होने के लिए उसको देखने की जरूरत नहीं है राइट क्या हम इस वैल्यूज पे मानते हैं यस और नो से और कभी हमें ये जब व्हेन वी स्टडी द कॉपरेट हमको ये समझ आ जाता है कि रिलीजन इज एग्जैक्टली साइंस ये ऑथर कह रहा है सक्सेसफुल होने के लिए दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है उसको डिस्कस करना छोड़ दो हमें मजहब में क्या सिखाया जाता है कि जहाँ से गिला की बत हो रही हो वहाँ से उठा था ही नहीं जाइए निकल जाओ वहां से राइट एक ही बात है राइट क्यों बिकॉज तुम्हारी एनर्जी नहीं जाएगी तुम बैठोगे तो किसी का बैक बाइट करोगे ना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बैग बाइट करने वाला इसकी बात थी मोरना रूमी की बात थी क्यों बैक बाइट नहीं करनी चाहिए उसका साइकोलॉजिकल रीजन है अब आज आपने किसी की बुराई की ना यूनिवर्स आपको जब तक नहीं छोड़ेगी या, तक या तो आप उससे जाके माफी ना मांग लो जो आप मांगोगे नहीं क्योंकि आपने पीछे से बुराई की है आप सामने से तो बहुत अच्छे से हंस के बात करते हो उससे राइट राइट एक बहुत है ना सो बट यूनिवर्स आपके अंदर वो बुराई डालेगी जो आपने दूसरे की की है और उसके बाद यूनिवर्स सेटिस्फाई होगी और आपका हिसाब होगा बराबर तो अगर आपने बोला यार वो झूठ बहुत बोलता बहुत है फिकिट मिकिट बहुत करता है वो उसका ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा नहीं है वो ये यूनिवर्स आपके लिए वो कर देगी कल को आप वो करोगे चाहते हुए ना चाहते हुए और जब आपने, आपने वो बुराई आ जाएगी ना तो प्लस और माइनस एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी राइट तो इसका लॉस बहुत बड़ा है राइट तो इसीलिए रिलीजन सेड यू बहुत सिंपली बट क्योंकि रिलीजन को लोग ऑब्सोल्यूट लेते हैं कभी कभी तो समझ नहीं आता बट स्टीव हार्वे या स्टीफन को भी बोलेगा, तो दैट लुक्स कूल, कि हाँ सक्सेसफुल होना है तो अपने काम से काम रखना है क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा मेरा जो लाइफ में गोल है जो मुझे सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर बनना है या एम्पायर खड़ा करना है या बिजनेस खड़े करना है मैं किसी और के बारे में सोचूंगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए मेरा रास्ता सीधा सीधा है लेकिन कोई पत्थर आएगा तो मैं साइड होके वापस अपना रास्ता चलाते रहूंगा क्योंकि मैं दूसरे के बारे में ना खुश होता हूँ ना नाराज़ होता हूँ राइट दैट्स द फिलोसफी वन

अल्केमिस्ट uh, एक कहानी एक इंसान की जो कि एक शेपट था और वो शेपट से एक सिटी का मेयर बन जाता है तो वो शायद जो याद होता तो उसमें बहुत बहुत अच्छी कहानी दैट्स अ ट्रू स्टोरी दैट्स अ नोबल प्राइज बुक उसमें समय बोल जाता है वो शेपट मेयर क्यों बनता है क्योंकि शेपट की एक आदत होती है वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता है तो वो क्योंकि बकरियां चलाता है बट वो अपनी कैपेसिटी में जिसको भी मुश्किल में देखता है ना उसकी मदद कर देता है और वो आगे बढ़ता रहता है फिर वो होटल में काम करता है फिर वो उस होटल को बाय कर लेता है फिर वो एक के दस होटल कर लेता है फिर एक मेयर आता है उसकी डेथ हो जाती है यू you नो know? तो किस्मत उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते मेयर बना देती है उस शहर का आठ हज़ार बिजनेसिस का मालिक हो जाता है वो लेकिन वो कैसे मालिक होता है क्योंकि उसने सब ना किसी ना किसी की मदद की होती है तो उसने उसका अपना शेयर दे दिया होता है उसको और उसने किसी ने उसने पैसे लगा दिए होते किसी की मदद कर दी होती है वो सोचता नहीं है मदद करते हुए तो कुदरत बहुत बड़ा गिफ्ट उसको देती है टाइम के बाद जाके ओके तो दूसरा कॉन्सेप्ट ठीक है concept okay. उसमें ट्रू है दिस इन्वॉल्व कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ अदर्स इन सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये बहुत स्ट्रोंग बात है वो <coughs> तो ये कह रहा है कि आज के ज़माने में जब लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए अपना काम करो क्योंकि आपके पास पैसे जो हैं वो दूसरे की मदद कर दोगे तो वो खत्म हो जाएंगे ना भाई आपके पास दो रोटी है आप किसी को आदि दे दोगे तो आपके पास कम हो गई ना अब एक दिन आपको कम चलेगी एक सोच ये वो कहते हैं हमेशा वो आदमी जो बिल गेट्स बिल बिल गेट्स एक दफा Uh, ये स्टोरी बहुत पॉपुलर थी शायद आपने सुनी होगी एक दफ़ा जब वो बिल गेट्स नहीं था वॉज इन द प्रोग्रेसिंग स्टेज तो उसने किसी न्यूज़ वाले को वॉशिंगटन से बुलाया और उसको ढूंढने के लिए उसने टीम लगाई तीन साल बाद वो बंदा मिला वो न्यूज़पेपर स्टैंड पे न्यूज़पेपर पेपर बेचता था और उसने उसको अपने शो पे बुलाया उसने बोला कि यार बिल गेट्स बुला रहा है उसने बोला कौन बिल गेट्स उसने बोला पता नहीं हमारे बॉस है वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है उसने बुलाया है उसने बोला क्यों बुलाया भाई उसने बोला मुझे नहीं पता बुलाया आप चलो आपके लिए चार्टर प्लेन आया बोला चार्टर प्लेन आया बोला चार्टर प्राइवेट जेट आया भाई उसमें जाना है उसमें गया, उसमें गया उसको शूट शूट दिलाया वो शो पे गया बोला बोला भाई बिलगेट्स आके बैठा बिलगेट्स आके उसे गले मिला थैंक यू लोग खड़े हो गए बोला पता नहीं कौन बड़ी टॉप चीज़ है यू नो यू मस्ट बी समथिंग उसको बोला कौन है बोला मैं तो न्यूज पेपर स्टैंड पे न्यूज पेपर बेच रहा हूँ पिछले बीस साल से सत्ताईस साल से उसने बोला बिलगेट्स को कैसे आते तो पता नहीं कौन है बिलगेट्स फिर बिलगेट्स आया बोलते है, है, ओ तुम यू ना बोलता है यस yes. तो फिर बिलगेट्स बोलता है बताओ लोगों को स्टोरी तो बोलते हैं लोग बोलते हैं कि आई एम द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ बट मैं कहता हूँ यू आर द रिस्ट मैन ऑन अर्थ बोले ये कैसे रिचेस्ट मैन है तो आज भी एक बार बेच रहा है सत्ताईस साल पहले भी बेच रहा था बोले अब मैं बताता हूँ रिचिस कैसे है लोग समझते हैं हमें दूसरों की मदद करने के लिए बिल गेट्स पढ़ना पड़ेगा बट बिल गेट्स की मदद खुद एक न्यूज़ वाले ने की जो एक अब दुनिया के लिए अमीर नहीं है बट बिल गेट्स के लिए सबसे अमीर है वो कहते हैं मैं जब इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे जब मुझे कंपनी बनानी थी तो मैं भी बहुत दफ़ा जो है वो अखबार पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि आई कुड बाय आई कुड सी के अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब्स क्या है तो एक दफ़ा मैंने इस आदमी को बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है बट तुम न्यूज़पेपर बेच भेज दो तो मुझे थोड़ी देर के लिए अखबार दे दिया करो मैं पढ़ लूँगा और उससे मुझे समझ आए पे तुम बेच देना जाके जिसके पास पैसे तो उस आदमी ने बहुत दफ़ा मुझे अखबार दे भी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट यू नो और कहा कि चलो कल तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो दे देना नहीं आए तो कोई बात नहीं तो बिल गेट्स ने कहा कि इसने मुझ पे उस वक्त एहसान किया कि जब मैं बिलगेट्स नहीं था और ये भी बिल गेट्स नहीं था राइट उसने बोला आज मैं इसको दस मिलियन डॉलर का चेक भी काट के दे दू ना तो मैं उसको बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि आज मैं बिल गेट्स हूं मगर ये आज भी बिल गेट्स नहीं है समझ रहे हो तो कहते हैं ट्रू केमिस्ट्री हैपेंस जब आप भी बिल गेट्स नहीं होते और सामने वाला भी बिल गेट्स नहीं होता है यानी आपके पास जेब में रिसोर्सेज बहुत कम है पैसे बहुत कम है मुश्किल बहुत ज़्यादा है शायद आप भी जॉबलेस हो आपके पास पैसे नहीं है बट आप बोलो यार मैं रिटायर हूँ मेरे पास तो कुछ सौ डॉलर है महीने के बट उसमें से भी आप बीस डॉलर किसी को निकाल के दे दो बोलो यार इसके पास भी ग्रोसरी के पैसे नहीं है तो आज आप भी बिल गेट्स नहीं हो और वो भी बिल बिलगेट वो कहते हैं जब कुदरत ऐसे दो लोगों को ढूंढ लेती है ना तो फिर वो एक को बिल गेट्स बना देती है राइट नाउ दैट बिल गेट्स कुड बी ना स्पिरिचुअल और एनी वन बट मकसद क्या हुआ लोग वेट करते हैं बोलते हैं कि यार जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे ना तो हम दुनिया बदल देंगे तो खुदा उस वक्त नहीं बोलता दुनिया बदलने को पैसे के बाद तो हारिक कर सकता है खुदा उस वक्त बोलता है जब तुम बिल गेट्स नहीं हो I hope this today's session helped you. Kitne logon ko maza aaya? Raise your hands. ठीक है sounds good. So inshallah next time. Okay, now we will be changing the time because I was here in US. I am relocating back to Dubai for the projects. So ab wo time zone ho jayega difference. Shanaz wants to say something. Nargis wants to say something. Yeah, Nargis, go ahead. बोलो अनम्यूट 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 करो आपको अन्मुट, अन्मुट, अन्मुट। uh, मैं ऐसा थी कि कि अब, अब के साथ हमें मालूम नहीं आप हमारी क्लास है या नहीं तो 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 आप दो तीन घंटे पहले अगर डाल देंगे कि भाई आज आज क्लास है आज, तो क्या थोड़े ज्यादा लोग शायद आ सके मैं तो ऐसे करके मैंने शुरू करी और लेकिन जब नहीं हो सकती ना मेरी क्लास जब समझो दो महीने में एक दफ़ा मैं कैंसिल का बोलता हूँ तो मैं पहले से डाल देता हूँ कि भाई आज नहीं होगी तो है इसका मतलब है अंडरस्टूड है के फोर ओ क्लॉक होगी अच्छा अब मुझे करना है टाइम चेंज क्योंकि मैं दूसरे टाइम जोन में जा रहा हूँ ओके सो लेट्स से राइट नाउ इट्स फाइव पी एम हेयर अब अगर मैं दुबई में हूँगा ना तो मेरे पास रात के बजे होंगे ये दो बजे तो मैं दो बजे रात के उठ के नहीं ले सकता ठीक है सो आई हैव टू लेट्स से टेक इट अराउंड मैं बहुत लेट भी कर लूँ ना तो मैं समझो ग्यारह बजे भी मैक्सिमम खींचता हूँ दुबई में इलेवन uh, पी एम इन दुबई मैं सी एस टी में देखूँ सो so, दो बजे होंगे uh, यहाँ पे ठीक है तो so, दो बजे सही है ठीक है बिकॉज उससे ज़्यादा लेट में मैनेज नहीं कर सकता ओके डे वर्किंग ट्रेवलिंग मंडे टू सैटरडे तो मैं या तो ग्यारह बजे सैटरडे कर सकता हूँ या संडे कर सकता हूँ क्या चाहिए संडे दिस इज द रिकॉर्डिंग राइट बिकॉज कहीं ना कहीं बैलेंस अभी देखो मैंने बोला ना ट्व हंड्रेड पीपल वॉच द सेशन राइट बट नॉट ऑल कैन बी ऑन बिकॉज दे आर फ्रॉम सेवन डिफरेंट कंट्रीज ना तो एलेवन ओ क्लॉक के बाद मेरे लिए जागना मुश्किल हो जाता है रात को सो एलेवन इज द लास्ट टाइम